मेट्रो ट्रेन मेट्रो ट्रेन के बारे में कहूंगा कि बार बार हमारा मुताल रहा कि पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन को लाना चाहिए चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा के टी रामा साहब ने कहा कि हां मेट्रो आएगी लेकिन सवाल यह है कि मेट्रो कब आएगी पुराने शहर में अगर सर आई वॉन्ट टू ऑन रिकॉर्ड और यह चैलेंज के साथ कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं अगर मैं गलत हूं तो अपनी असेंबली के निश्चित इस्तीफाद दूंगा सर में मेट्रो ट्रेन हैदराबाद में आई है तो मंजल से अल मुस्लिमीन की वजह से अकबरुद्दीन ओवैसी की वजह से आई मैं ठहर के असेंबली में लड़ा में मैं और जनार्दन रेड्डी साहब खैरताबाद के एमएलए थे हम दोनों ने मिलकर लड़कर इतना गड़बड़ की वो जनार्दन रेड्डी साहब मोनो ट्रेन कहते थे मैं मेट्रो ट्रेन कहता था हम दोनों के झगड़े के बाद हम दिल्ली को गए राजशेखर रेड्डी साहब ने कहा अकबर यू गो टू डेली एंड सी द मेट्रो ट्रेन वहां जाकर हम देखने के बाद हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन लाए माइटास जो सतियम था माइटास को दिया गया था सतियम डूबने के बाद माइटास से ले लिया गया उसके बाद एल को दिया गया मेरे मुताबे पर मेरे लड़ने पर आया मेट्रो लेकिन मेरे एरिया में मेट्रो आज तक नहीं है आप बताइए सर सर न सिर्फ ये कृष्णा वॉटर्स फर्स्ट फेज सेकेंड फेज थर्ड फेज अगर हैदराबाद में है तो मैं समझता हूं कि वंस अगेन आई वुड रिमेंबर जनार्दन रेड्डी खैरताबाद एमएलए एल एस टू फाइट विद मी हम दोनों लोग लड़ते थे हैदराबाद को कृष्णा वाटर होना हैदराबाद को कृष्णा वाटर होना जनार्दन रेड्डी यूज़ तो गो अगेंस्ट हिस्स पार्टी एंड स्टैंड विद मी एंड वी फॉट गोदावरी वाटर्स शशिधर रेड्डी साहब ही वॉज एन एम एल एन ही वॉज विथ मी वी फॉट फॉर द गोदावरी वाटर्स बट सर पानी भी जब आया तो पुराने शहर में नोट में मिनिस्टर साहब ने कहा कि रोजाना पानी दे रहे हैं माफ करना स्पीकर साहब पुराने शहर में रोजाना पानी नहीं आता एक दिन में एक एक दिन आया तो एक दिन नहीं आता उसके बाद के दिन को आता है, और बास जगह पे तो पांच पांच दिन नहीं आता है सेकेंड फेज का पानी पुराने शहर के लिए था हम लड़के लाए थे सर तेलंगाना के पानी के साथ नाइन हुई तो तेलंगाना बन गया पुराने शहर के पानी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो हम बोलें तो किसको बोलें किसको बोलें बताइए पानी नहीं आ रहा सर पूरा पानी कृष्णा का जो जाता है सर उसको डाइवर्ट कर दिया गया आई सदन के पास से डाइवर्ट कर दिया गया सैनिक पूरी तक लेकर गया जा गया खैर मुझे एतराज नहीं पानी है सबको पिलाना है हमारे ही शहर के लोग हैं जरूर पिलाना चाहिए पानी है लेकिन सर आप बताइए अरे आप लाइन को डाइवर्ट कर दिए हमारा पानी हमको नहीं मिल रहा लेवल्स कम हो गए हाफिज बाबा नगर बालापुर रिजर्वायर मेरे कॉन्स्टिटेंसी में लेवल्स कम हो गए बल्लागुड़े में है लेवल्स कम हो गए और फिर नुरखा बाजार में टाकी है लेवल्स कम हो गए मुगलपुरे में है मिरालम फिल्टर है लेवल्स कम हो गए अलियाबाद रिजर्वायर लेवल्स नहीं सर आप दीजिए पेरिफेरल एरिया में पानी जरूर दीजिए मुझे एतराज नहीं है देना भी चाहिए अगर नहीं देंगे तो फिर डेवलपमेंट कैसा आएगा लोग कैसे आएंगे लेकिन हमारा भी ख्याल करिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप इन इन बातों पे गौर करिए पुराने शहर में कचरों का अंबार है लगा हुआ है कई कई दिन तक कचरा नहीं उठता है सर रोड हैज बीन वाइडन हॉस्पिटल टू चंद्रायन गुट्टा रोड वाइडनिंग होके दस साल हो गए लेकिन दस साल से जो लाइट के खंबे हैं ना साहब वाइडनिंग के बाद भी वो बीच या बीच रोड पे खड़े हैं क्या हम नहीं बताए क्या हम नहीं बोले रोड वाइडनिंग हो गई शॉप ओनर्स आर इंक्रोचिंग क्योंकि वो खंबे वैसी है कब हटेंगे वो ये ऐसी चीजें हैं सर बिकॉज ऑफ दिस वी फील

तो आज हमारे ऊपर लोग तनकीद करेंगे उंगली उठाएंगे और बोलेंगे कि हमने क्या किया सर उसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा सर हैदराबाद की पहचान अगर गोलकुंडा फोर्ट है चार मीनार है तो हैदराबाद की पहचान उस्मान सागर व हिमायत सागर है कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गैर मामूली काम है बहुत बड़ा काम है लेकिन यह भी जरूर कहूंगा कि चिवड़ला प्रणहिता प्रोजेक्ट के लिए खड़े रहकर एडमेंट मोशन देकर असेंबली को नहीं चलने देने वालों का नाम मंगल से इतहादल मुस्लिमीन है जब किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे हमने कहा था कि चिवड़ला प्रणहिता प्रोजेक्ट को लाना चाहिए सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम भी जब थी तो वो भी थी आप भी उठकर हमारा साथ दिए थे कि हां चिवड़ला प्रणहिता प्रोजेक्ट आना है लेकिन सर आप बताइए इतनी बारिश हुई इतनी बारिश हुई मेरा गंडी पेट आज भी सूखा है मेरा हिमायत सागर आज भी सूखा है क्यों है चेक डैम्स हैव कम कैचमेंट एरिया हैज बिन इंक्रोस्ड और खाली है गंडी पेट सर ये टैंगमेंट हुसैन सागर सर व्हाट वाज़ द एक्सटेंड ऑफ हुसैन सागर सर दिस हाउस वुड बी सरप्राइज्ड एंड शॉक सर फोर थाउजेंड एकर्स था था था। टैंगमेंट या सिकंदराबाद कट्टा चार हजार एकड़ पर था और आज एक हजार एकड़ पर है कहां गए तीन हजार लुम्बनी पार्क एनटीआर समाधि नेकलेस रोड पीवी नरसिम्हा राव समाधि वो फूड कोर्ट सब चला गया वेन वी टॉक अबाउट द लेग्स गेटिंग इनक्रोच आई वॉन्ट टू नो हु हैव इंक्रोच हुसैन सागर गेव द परमिशन फॉर फॉर दट नेकलेस रोड हु गेव द परमिशन फॉर लुम्बनी पार्क सर सिवेज का कितना है इंडस्ट्रियल वेस्ट इज कमिंग इन हुआ साफ साफ कब होगा यह अच्छा मूसा नदी वो मूसा नदी जिसके किनारे पुराना शहर बसा वो मूसा नदी जो वेखराबाद से शुरू होती है वो मूसा नदी जो बनाई गई थी किस लिए बनाई गई थी स्पीकर साहब मूसा नदी हैदराबाद में तो आई थी फ्लड आए थे तो वो फ्लड से हैदराबाद को बचाने के लिए मूसा नदी बनाई गई लेकिन आज मूसा नदी में क्या है पुराने शहर का सिवरेज जा रहा मूसा नदी कब साफ होगी इंक्रोचमेंट भी होते जा रहे कब होगी मच्छर है गंदगी है और कुछ नहीं जब मैंने मेट्रो के ताल्लुक से कहा तो बोले अकबर साहब मेट्रो की ट्रेन आप जैसा बोल रहे नहीं ले जा सकते क्यों तो बोले मुझे क्या एनवायरमेंट क्लियरेंस लाना पड़ेगा मूसी के ऊपर ले मौजूदा मेट्रो ट्रेन का स्टेशन बन गया हम बोलते हैं तो हेरिटेज आ जाता है हम बोलते हैं तो एनवायरमेंट आ जाता है हम बोलते हैं तो कुछ भी आ जाता है लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो जो चाहे वो होता है मैं आपके जरिए स्पीकर साहब हुकूमत से मुताबा करूंगा दरख्वास्त करूंगा कि ब्यूटिफिकेशन पर तवज्जो दी हिमायत सागर उमान सागर को सूच सूखने से बचाइए और उसके साथ साथ शहर हैदराबाद तरक्की जरूर कर रहा है और ट्रैफिक भी बढ़ रही है और ट्रैफिक के वजह से साउंड पॉल्यूशन और एयर पोल्यूशन भी हो रहा है एस में ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए फ्लाईओवर्स लिए जा रहे हैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूं लेकिन पुराने शहर में भी रोड वाइडनिंग की जरूरत है ताकि हम ट्रैफिक कंजेशन को कम कर सकें। सर, स्पोर्ट्स एंड प्ले के ताल्लुक से भी कहूंगा जीएचएमसी में स्पोर्ट्स और प्ले के डेवलपमेंट के लिए ही लिया गया सर ऑनरेबल स्पीकर सर इट्स बीन टेन ईयर्स बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना I I got a sanction of two sports playgrounds, sir. one stadium, one cricket stadium, sir, one full big stadium, two cricket stadiums, one at Bardlagoda and the other at Falaknuma educational campus. Sir, 10 साल में आज तक complete नहीं हुए। कब होंगे complete? कब होंगे मैं पूछना चाहता हूँ। Miralam time beautification project लिया गया, मंजूरी दी गई, शुक्रिया। बहुत सारे मंजूरी दिए गए शुक्रिया लेकिन आप एक जो ब्रिज आप हाईटेक सिटी दुर्गम चिरू के ऊपर जैसा डाले एक ऐसा ब्यूटीफुल ब्यू, ब्रिज आप मिरालम तालाब पर भी डालिए मेरी कॉन्स्टेंसी में सर आई हैव थ्री लेकिन आई बीन प्रोटेक्टिंग दोज लेक्स फाइटिंग फाइटिंग छह साल हो गए साहब सैंक्शन दिए लेक ब्यूटिफिकेशन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ तो आप बताइए सर कैसे ऐसा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बल्लागुड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम फलकनुमा कैंपस का भी लेंगे और लेक को प्रोटेक्शन के लिए भी आप इकदाम उठाएंगे सर सर एक दस पंद्रह मिनट सर प्लीज सर सर आप बोले सर खत्म करेंगे अकबर साहब पंद्रह दिन का मेरा टाइम मैं दे दिया सर मेरे को पंद्रह मिनट दे दीजिए सर प्लीज सर सर मैं आपसे यह भी कहूंगा शहर हैदराबाद में फुटपाथ से सर सर फुटपाथ के बारे में कहा जाता है कि दे आर द किंग ऑफ द रोड बोलते बादशाह जो रोड का होता है वो पेडिस्ट होता है लेकिन आप बताइए सर कितने फुटपाथ से पुराने शहर में कितने से पुराने शहर में कितने फुट ओवर ब्रिजेस है पुराने शहर में सर सेवन इयर्स हो गए फुट ओवर ब्रिजेस के लिए मैंने कहा ओए हॉस्पिटल के पास फुट ओवर ब्रिज के लिए सेवन इयर्स से कह रहा हूं मेडिकल कॉलेज इज दे यूजी, पीजी, सुपर स्पेशलिटी फार्मेसी फिजियोथेरेपी नर्सिंग इतने कॉलेज है फाइव थाउजेंड स्टूडेंट साधे फुट ओवर ब्रिज लीजिए आज तक नहीं